अल्मोड़ा में नंदा देवी मेला सीमित होकर रह जाएगा। जी हां, वर्तमान के हालातों को देखकर ऐसा ही लगता है। जहां एक तरफ मेला समिति मंदिर परिसर की जगह की कमी के चलते मेले के कार्यक्रमों को अन्यत्र करना चाह रही थी, वहीं विद्यालय का मैदान नहीं मिलने से मेला समिति मेले को सीमित संसाधनों में चलाएगी। नंदा देवी मेले को लेकर मेला समिति के अध्यक्ष मनोज वर्मा ने कहा कि नंदा देवी मंदिर का परिसर छोटा होने के चलते पिछले वर्षों में ऐतिहासिक नंदा देवी मेले को वृहद और भव्य रूप देने और मंदिर परिसर में भीड़ के दबाव को कम करने के लिए नंदा देवी मेले को विस्तार देते हुए एडम स्कूल के मैदान में भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे। अगर मंदिर परिसर में ही मेला आयोजित किया जाता है तो भीड़ मंदिर परिसर में सिमट जाएगी और काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जब ये मेला होता था तो अल्मोड़ा की जनसंख्या केवल 5 से लेके 25 हज़ार के बीच में लगभग होती थी कि आसपास के लोग भी आ जाए तो 25 हज़ार, लेकिन आज इस मेले को देखते हुए, इस मेले की भव्यता को देखते हुए 4 से 5 लाख लोग इस मेले में आते हैं। उन सब की व्यवस्थाएँ हम नहीं कर पाते, तो इस मेले को हमने अल्मोड़ा के चारों ओर फैलाने की कोशिश की। उसी क्रम में हमने एडम सेंटर कॉलेज में भी ये कार्यक्रम किए, लेकिन एडम सेंटर कॉलेज के द्वारा हमें फील्ड मुहैया नहीं कराया गया, क्योंकि वे अल्मोड़ा के व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष सुशील शाह के की डर के से उन्होंने, क्योंकि लिखित में दिया है, हमने लिखित में आप लोगों को पत्र दे दिया है, उनके डर के मारे वो हमको ग्राउंड देने में वो करते हैं, मना कर रहे हैं। और उनके द्वारा ये कहा गया है कि ये अल्पसंख्यकों के लिए कुत्राघात है, हम अपना प्रांगण आपको नहीं देंगे। माता नंदा देवी का जो पौराणिक मेला है 1670 से लगातार जो चल रहा है, ये हमारी संस्कृति का प्रतीक है, हमारी आस्था का प्रतीक है, हमारी कुलदेवी है। कहीं पर भी जो ये बातें आ रही हैं सरासर गलत है, और लगातार व्यापार मंडल 15 सालों से हर सांस्कृतिक शोभा यात्रा, हर सांस्कृतिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, उसका स्वागत करता है। हमारा जो एक आरोप प्रत्यारोप हम पर लगे हैं कि महिला समिति के अध्यक्ष शायद कह रहे थे, तो मैं महिला समिति के अध्यक्ष से भी कहना चाहूँगा कि 24 तारीख को जो प्रशासन द्वारा एक बैठक रखी गई थी, जिसमें आपके द्वारा बैठक का बहिष्कार किया गया था और उठकर चले गए थे आप, तो उसके बाद पुनः जब आप वापस आए तो आपने एडम्स जो प्रशासन है, प्रबंधक है, उनको इतना डराया, धमकाया, और पुनः प्रकाश चंद जोशी जी जो हमारे नौतवान पालिका अध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता में जब ये वापस वहाँ समन्वय बैठक टीम गई, एक जो समन्वय टीम गठित की थी इन्होंने 25 सदस्य, उन्होंने भी डरा धमका कर स्कूल बंद कराने तक की धमकी दे डाली। तो बच्चों की शिक्षा और पर प्रभाव न पड़े सुरक्षा को देखते हुए व्यापार मंडल ने बड़े बड़े बाजारों का और स्कूल जो स्कूलों के अंदर जो स्कूलों की जो व्यवसायीकरण हो रहा है जमीनों का, उसका विरोध दर्ज किया है। अल्मोड़ा से विनोद जोशी की रिपोर्ट।